राम राम दोस्तों, मैं हूँ नवीन पाटीदार और था देख रहा वॉइस ऑफ एमपी। जैसा कि आपने पता होगा कि वॉइस ऑफ एमपी किसाना की बात करे और किसाना की खबर बता रहे हैं। काले भी नई अफीम नीति केंद्र वित्त मंत्रालय जारी की दी है, वन में कई तरह की राहत अफीम किसानों ने मिली है और कतरी छूट जो अफीम किसानों ने दी है। वन लीन में बात कराना वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी थी और वहाँ का वॉइस ऑफ एमपी का प्रतिनिधि जो किसाना एक अफीम किसान भी है और साथ में भी किसाना की वार्ता भी वहाँ तक पहुँचा है। तो उन्होंने पूछा है कई तरह की राहत दिया है जो है अफीम किसानों ने मिली है। मुस्तफा जी, अफीम में कई तरह की राहत जो है यानी अफीम नीति मिली है। देखो रवीन, वो आपने एक बात की दूँ कि यह जो अफीम पॉलिसी आई है अंडे राहत भरी नहीं की सका, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें है वो थी मार्फिन परसेंटेज की। और पहला जब अफीम नीति 2019-20 में आई थी उनमें मार्फिन परसेंटेज 4.5 तो तब भारी विरोध भी हो तो और वो मार्फिन परसेंटेज ने कम करने 4.00 करी। अब बार जो नई अफीम नीति आई है तो यह मांग किसाना की थी कि यह मार्फिन परसेंटेज को नियम हटा दिया जाना चाहे या फिर या जो मार्फिन परसेंटेज है उन्होंने कम करना चाहे। अड़ी मामला में जो तीन ही सांसद है, नीमच मंदसौर का सांसद सुधीर गुप्ता, चित्तौड़ का सांसद सीपी जोशी और झालावाड़ का सांसद दुष्यंत सिंह है, खुद को जो प्रतिवेदन केंद्र सरकार ने सौंपी ओवर में साफ तौर पर क्यों तो कि 4.00 ने कम करने 3.3 करना चाह रहे तो वह मार्फिन परसेंटेज कम नहीं भी हो। दूसरो डोडा चूरा ने एनडीपीएस से बाहर निकालना चाहे और वी की जगह उन्होंने आबकारी एक्ट में शामिल करना चाहे वी नहीं भी हो। अफीम की सरकारी खरीद को मूल्य बढ़ाना चाहे वी नहीं भी हो। और एक और खास बात है कि हमें जो 98 रुपया था का पट्टा किसान चाह रहा था वी नहीं भी हो। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो किसानों ने आभार की उम्मीद थी कि आपके केंद्र सरकार 10-10 आरी का पट्टा देगा, लेकिन ऑलमोस्ट किसान ने 5 आरी का पट्टा मिलेगा और हद से 6 आरी। तो या अन्य राहत भरी खबर नहीं कहा, पर फिर भी एक खास बात है, यह जो कोरोना काल है, देश में जो स्थितियां चल रही है वो स्थिति में केंद्र सरकार एक बड़ो कदम उठाए और कोशिश यह की है कि हर किसान ने पट्टो मिले। तो एटलीस्ट अधिकांश किसान अन्य लाभान्वित होगा भले वी ने 5 आरी को पट्टो मिले, यह एक राहत भरी खबर। मोहन जी, आप अफीम किसान भी हो, माँ का प्रतिनिधि भी हो, आप किसान थी मलता भी रहो, बात भी करोना थी, तो आपने यानी नई अफीम नीति में कतर देखो आपकी कतरी राहत अफीम किसान मिली है, कही है पूरी अफीम नीति में। सत्य बिना तो आप सभी ने राम राम नमस्कार और वॉइस ऑफ एमपी को घनो घनो धन्यवाद। जत्रो दाम उतरो कम पड़े कि वॉइस ऑफ एमपी हमेशा थी और पूरी टीम ने धन्यवाद दाना मी किसान लोग के नाते कि भाई आप लोगों ने हमेशा थी माँ का मुद्दों उठाए किसानों को, चाहे अफीम को हो, चाहे लहसुन को हो, चाहे कैसा भी भाव ती लीन हो, मंडिया थी संबंधित हो, माँ को हर मुद्दों आप लोगों ने उठाए और किसानों का एक बड़ो पैरोकार के रूप में आपको चैनल है, उनके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। दूसरी बात, जो अफीम की जो नीति आई है रात में, आपने रात में जारी कर दी थी रात में 11 बजे, बहुत खुशी की लहर भी किसानों में, लेकिन थोड़ा सा मायूसी यह भी किसानों ने कि भाई सभी ने पट्टा मिलता तो ज़्यादा बढ़िया रहे, तो 5-5 आरी के ही मिले भली, लेकिन पट्टा सभी ने मिल जाता तो यह लोगों की रीति प्रतिक्रिया थी कि भाई माने भी पट्टा मिले जो 98 की रुकिया था लगातार। एक वो किसानों की शुरुआती कहना तो कि औसत आधार पे पट्टा मिले, मार्फिन खत्म हुए, भाव बढ़े, डोड़ा चूरा एनडीपीएस की बाने में वह भी मांगती तो कई मानो आप किसान भी यानी चीज ना बनता तो है। मार्फिन को मुद्दों तो खत्म ही कर देना चाहे, कारण कि ये किसानों ने थोड़ी मालूम पड़े कि कतरू मार्फिन है, मेहनत करे दिन रात, प्ले करे, खाद बीज दे, सब कुछ मेहनत करेगा, उनके बाद अगर मार्फिन की मात्रा नहीं बैठी अगर अफीम में तो किसान कहीं कर सके बड़ा कहती थी, तो पूरी पूरी जो पैदा करेगा वह सरकार ने हो भी देगा, तो उनमें किसानों को कई रोल है। पूछ वाली बात है कि मोहन जी, अगर आपका खेत में एक अमरूद को पेड़ उगाया अगर बिने खूब खाद बीज दियो, पानी दियो, लेकिन अबे मोहन जी या तय नहीं कर सके कि अड़ी पेड़ पे 40 अमरूद आगा के सुहा था जी भाई, या अमरूद खुदा का हाथ में, मालिक का हाथ में देना, मोहन जी के हाथ में नहीं है, मोहन जी नहीं कर सके कि अमरूद कतरा।
लेकिन वो एक बात और कहना चाहूंगा, आपकी खुद किसान हो, किसाना के बीच में रहो मोहन जी, एक खास तौर पे मैंने एक बात देखी है कि किसाना की या देश किसाना को देश है, 6 लाख गांव को देश है। हाँ सर। किसान अन्नदाता के बढ़िया बढ़िया नाम से भाई, और देश में मेजोरिटी की बात अगर करा तो किसान मेजोरिटी में है, लेकिन किसाना को मुद्दों जब आवे तो किसान अलग अलग खेमा में बटी जा, भी किसान अलग वे जो बीजेपी का है, भी किसान अलग रहे जो कांग्रेस का है, सामाजिक तौर पे भी किसान बढ़ जावे, गांव की दृष्टि से भी किसान अलग अलग भी जावे, भी किसान अलग भी जावे जिनने पट्टा मलिया है, भी किसान अलग भी जावे जिनने नहीं मलिया है। तो किसान खुद का कड़ी मुद्दा ने लेने एक नहीं भी सके, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आई सके। आप यह बात या आपने बात गले उतरे? जी बिल्कुल गले उतरे यार। किसान हमेशा थे, आज देश आजाद भी गयो लेकिन अबार तक भी डरिया छम्या रहे कहीं हर अलग अलग मुद्दा पे, कि भाई अफीम को हमारा पट्टो है तो अगर वो बोलेगा तो हमारा पट्टो काटी देगा, या फिर दूसरा कहीं मामला में गांव में छोटा मोटा जो भी काम करे कि सरकार माने दवाई देगा। अनली आज भी किसान में जो आज देश आजादी के बाद भी जो खुलापन होना चाहिए वो नहीं भी सीख्यो है। किसान आज भी मु गाँव गाँव में घूमू हूँ, मुँह पत्रकारिता को काम भी करूँ, लेकिन किसान खुलिन सामने नहीं आवे है। वहाँती कहीं भी बारे में अगर बात करा अभी तो भी किसान खुलिन नहीं कह सके, उनको मतलब वहाँ के अंदर डर बैठे होते हुए। जी तो उनका कारण जो किसान की जो आवाज़ उठनी चाहे, किसान की जो यूनिटी दिखनी चाहे, जो मुद्दों में बार बार उठावा नवीन जी भी या मुद्दों कई बार उठ चुका कि जब प्याज जो है वो किसान का बाड़ा में रहे खेत में रहे तो उनको दाम 50 पैसा किलो है, और भूज प्याज जब कोल्ड स्टोरेज में व्यापारी काटे पहुंच जावे तो उनको भाव 150 भी जावे, तो अड़में ना तो वो जो मुनाफा ही रहे हो वो किसान ने भी नहीं मिल रहे हो और उपभोक्ता की जेब से भी जा रहे हो, तो आखिर यह वेरिएशन क्यों है? अतरो अंतर रही जावे तो किसान किसाना का मुद्दा पे कभी भी एक नहीं पाया। उनको कारण है कि भाई कहीं ना कहीं मड़की मांग नहीं मानवा में आवे, कोई ध्यान नहीं दे, और किसान हर दिन गरीब बेतो जावे, हर दिन किसान पिछड़तो जावे, किसान की आवाज़ सरकार का नक्कार खाना में तूती की तरह है। बिल्कुल सही गिरा आप साहब, किसाना में एकता की भी थोड़ी कमी है, किसान अलग अलग भाग में बैठे तो गए है। किसानों में अगर किसान अगर देश को एक भी जागा वन दिन देश को नक्शो अलग चेंज हो जाएगा, देश दुनिया में अलग ही किसानों की जो आवाज़ हुआ बुलंद होगा, तो हर किसान सक्षम और तरक्की एवं जिंदगी के जो उन्होंने सुकून मनना चाहे वो मिलेगा। लेकिन आज भी दिक्कत है किसानों के, रात में पिलावे लाइट रात में आवे है, और भी नरी समस्या किसानों की, खाद टाइम पे नहीं मिले है, किसानों ने अनेक परेशानियों को सामने झेलना पड़े है, डिप्पिया की समस्या है जो कि ट्रांसफार्मर जल जावे तो उन्होंने लगाव में उन्होंने पसीनो हो जावे, यह बड़ी एक समस्या है किसानों की। तो हर किसान तो समस्या थी ग्रस्त, जो जनधन किसान ने अगर जो उनके मन माफिक काम अगर व्यवहार लग गयो तो किसान देश में और भी घनी तरक्की होगा और शांति अमन चैन पे। मोहन जी एक और बात आपसे पूछू कि पिछले साल मुताबिक साल जो अफीम नीति 20 दिन लेट गई है, आज जो पट्टा वितरण होगा तो कई मानो के कतरा किसान जो है पट्टा लेगा कि नहीं लेगा, कहीं पानी भी नहीं निसाल तो खेत में पानी किस तरह आवे, तो कई मानो आप कि पानी पट्टा जमा कर देगा किसान? अनिसाल नीमच मंदसौर जिला में बारिश कम भी है जिनकी वजह थी किसान पट्टा की तैयारी करीन बैठा था, लेकिन अफीम नीति लेट घोषित हुई उनकी वजह थी किसान अब हाल तो बोनी शुरू की दी को ना पट्टा जारी हुआ है, तो अब पानी की कमी ने देखता करता शायद किसान जो उन्होंने मिलेगा पट्टो वंति कुछ कम बाबा की रहेगा। तो ये बड़ी बात है यार कि किसान बहुत बड़ी बात है नवीन, अगर मान लीजिए कि अशुर भी हो तो वो यह बात में लगातार मैं कहता रहा हाँ कि जो दो एटलीस्ट 2 अक्टूबर ने जो अफीम पॉलिसी घोषित भी जानी चाहे भी ठीक 20 दिन लेट भीगी, और वी का बाद जो पट्टा वितरण को कार्यक्रम चलेगा वन में 20-25 दिन चाह रहा है, और वन का बाद किसान बोनी करेगा और जो पेपर फॉर्मेलिटीज़ में भी वक्त लगे
तो ओवरऑल 1-1.5 महीना वो टाइम मिलेगा, तो अड़ में कहीं ना कहीं औसत जो मार्फिन परसेंटेज है, क्योंकि कही है कि सिंपल सी बात यह है कि अगर अफीम की बुआई में देरी हुए तो आगे मौसम गर्म भी जाएगा, तो जब मौसम गर्म भी जाएगा तो वो औसत नहीं बैठेगा, वो गाड़ता नहीं बैठेगा, वो मार्फिन परसेंटेज नहीं बैठेगा, तो बड़ी स्थिति में जब नहीं बैठेगा तो किसान को पट्टो हाथ से जाएगा। तो अगर किसान में यूँ लाग रहे हो कि भी पट्टो नहीं रहेगा अगली बार, तो जाहिर सी बात है खाली टाइम पट्टो लेगा ही नहीं, जमा करेंगे कुछ नहीं, मारो पट्टो सलामत रखना अगली बार का ली। तो कुल मिले ने मुद्दा की बात यह है कि यह सब जो वाता है जन पे आप आठे बात करा, या दिल्ली का दरबार में आवाज जानी चाहते, या किसान की जो फरियाद है, किसान की जो मुश्किल है, किसान की जो परेशानी है, किसान की जो तकलीफ है, या अफीम नीति दिल्ली दरबार की जगह मालवा मेवाड़ की चौपाल पर बननी चाहते, तो उसका कौन होना है? कहा कि देखो किसान आगे को नहीं आगे भी, और जो जनी किसान जनती अपनी मांग और जो जनती आस लगे बेटा रहे माँ की सांसद होने का, माँ का नेता होने का, नेता की जो बात जो है जैसे के वहाँ वित्त मंत्रालय में कैसी अपनी नीति बना, वहाँ वैसी अपनी नीति बने को नहीं, तो कई मानो आप तो बचे वे कई किसान तो बचे भी घाटा में जो चार वर्ष चाल तो रहे। नहीं, किसान तो साफ तौर पर घाटा में ही जे, यदि आप देखा जय मोहन आभार किया था कि भाई आज़ादी के बाद से आज तक अपार स्थिति आए कि भाई गाँव में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, किसान का पास खाद बीज नहीं है, बैंक को क्रेडिट कार्ड नहीं है, कई है किसान का पास आज, या अपार अफीम की जब बुआई वेगा कड़ाका की ठंड वेगा राते लाइट आवे, कड़ाका की ठंड में वी का पास पहनवा के लिए स्वेटर नहीं है, वो बुशर्ट पहनने पड़त करे रात को ठंड का अंदर, तो यह सब दिक्कत था। विवाह का बाद भी जो बात मुँह स्टार्ट की थी कि भाई किसान यूनाइट नहीं है, किसान वड़ की आवाज़ ने बुलंद नहीं कर सके, और दूसरी बात है कि जब किसान खुद की आवाज़ बुलंद करवा की बात करे तो जो अबार मोहन क्यों ये भी डरे, प्रशासन को डंडो चलेगा, पुलिस केस वड़ेगा, प्रताड़ित होगा, नेता सपोर्ट नहीं करेगा, तो आखिर भी जो अन्नदाता है, जो भगवान हरि का है, जिनने अन्न उपजावा है, बढ़िया बढ़िया नाम बोला, लेकिन वी को पावर तो कहीं नहीं है, नहीं अन्नदाता को पावर कहीं है, खाली नाम है बस, खाली नाम है, या तो आपा आवार जो लगातार मीडिया भाई मीडिया में भी कई जगह किसान उपेक्षित है, या तो भाषणा में रहे किसान, वोट लेवा में किसान, और या नीमच की स्थिति आपने देखी कि जब एक किसान नीमच का बाजार से निकलता तो या नीमच की मंडी में प्रवेश करता तो लोग कहता था अरे भोपो ही क्यों, बिल्कुल सही गिरा, किसान ने तहजीब और तमीज से कौन बोल रहा था, या तो जब आप हरि का मीडिया वाला आया, मोहन हरि का पत्रकार जो ग्रामीण अंचल से निकलिया है, वी किसाना की बात करवा लग गया, तो लोग बोलवा में तहजीब सीख गया, नहीं तो पहला किसान ने कौन मुझ तो। तो कुल मिले ने जो मुद्दा की बात है नवीन, आप खुद भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो, आप खुद किसान परिवार से हो, और जब आप जैसे तमाम पत्रकार जो अड़ी फील्ड में ही गया और भी किसाना की बात करवा लग गया, तो किसाना की आवाज़ मीडिया में आवा लग गई, उसे ये तो पहले कटाती थी, नहीं आती थी। तो ओवरऑल जो मुद्दा की बात है वो यह है कि अफीम की पॉलिसी की जो बात आपने शुरू की, सुखद यह है कि अधिकांश किसान लाभान्वित वेगा ने मिलने पांच आरे को पट्टो तो मलिक जाला, पर एक जो राहत भरी बात आप करवा चीरिया था, यदि मार्फिन परसेंटेज कम है तो यदि पॉलिसी जल्दी आती, सरकारी खरीद को मूल्य बढ़तो, डूडा चूरा रेंडी पे से बाहर निकालता, और या पांच आरे की जगह 10 आरे का पट्टा प्रति किसान देता, तो निश्चित तौर पर मालवा मेवाड़ में दिवाली बेती, खुशी बेती, पर किसान या पॉलिसी से भी लगभग संतुष्ट है। यदि कुदरत है, प्रकृति है, अगर किसान को साथ दियो और मौसम ठीक रही हो, पानी को अरेंजमेंट ठीक रही हो, तो किसान मेहनत करेगा और वो पांच आरे का पट्टा में भरपूर फसल पैदा करवाने की कोशिश करेगा। किसान तो किसान है, ये तो दिन देखे ना रात देखे, ये तो मेहनत करता करेगा।
मुसाई एक और सवाल मारो बड़ो सवाल जो आप और मैं उठाता आया नपती को जो किसान को पौधो अगर लटकी जावे तो अधिकारी आवे और भी जो है अवैध वसूली करे किसान अरदान की अपना थी वो भी अपनी नीति में कट हल नहीं हो वो सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि अवैध वसूली किसान अरदान आरोप लगा के यह बिल्कुल सही बात है। देखिए जो सांसद आए दिल्ली में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का अंडे बैठक की थी वण में अफीम उत्पादक अंचल का समस्त सांसद या मुद्दों प्रमुखता से उठाए तो कि यह जो अफीम खेत की नपती है भी नीचे तना से बढ़ी जावे टहनी से नहीं बढ़ी जावे क्योंकि टहनी जो है आली रहे तो वो झुक सके तो वण से अगर मान लो थोड़ा सा भी भार भी जाए और वण में भी नहीं क्योंकि एक एक सर्टेन साइज मतलब 5% तक छूट बढ़ी जावे कि थोड़ी 19-20 बीज सके। अब अशो तो है नहीं किसान जानबूझ करने को अशो काम करेगा कि हमारे ज़्यादा वाणी है कौन एनडीपीएस में जाएगा तो अव्वल तो कोई ऐसी रिस्क ले नहीं पर मानव है इंसान से गलती वे तो उन्हें सुधारी जा सके। भाई अगर कोई अशो हुए कि कोई घड़ी ज़्यादा है कि 5 आई की जगह 6 वही थी तो गुनाह है लेकिन अगर मान लो थोड़ी 19-20 है तो अब कोई बढ़ने 10-20 साल का लिए जेल में तो बंद नहीं कर सका तो यह मुद्दों उठियो तो मैंने भी लगातार आप पर बात करी खबर में भी चलाया लेकिन लाग रहे हो कि अगली बार फिर वित्त मंत्रालय पर गौर नहीं क्यों है और यह आवाज़ और पुरजोर तरीका से उठनी चाहिए रही थी ताकि किसानों में राहत मिलती। तो अब कई लागे किसान आंदोलन करेगा 23 तारीख आंदोलन के बाद तक चली रही बात चली आई रही है तो कई मानवाने विरोध देगा नीति को वे? अब एक और बात है देखो नवीन के किसान तो किसान है अबे झंडा पट्टा मिल गया अभी पट्टा लेवा में लग जाएगा वावा में लग जाएगा अबे किसान वैसे भी बड़ी मुश्किल से सड़क पर उतरे और मैंने कम उम्मीद लग रही कि किसान जो है कोई आंदोलन के लिए मैदान में आएगा या कोई कोरोना काल भी चल रहे है सब तरफ परेशानी है दिक्कत है तो अब किसान 5 को पट्टो मलियो तो संतुष्ट है कि और कहीं नहीं तो चलो 5 को पट्टो तो मलियो तो हमारे उम्मीद कम लगे अभी मामला में किसान कोई आंदोलन करवा के लिए सड़क पर उतरे। तो ये था वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन और माँगा काफी किसान और साथ में जो माँ का प्रतिनिधि है वॉइस ऑफ एमपी जो खबर माने किसान आगे पहुँचाता रहे मनाने और वॉइस पत्रकार मुस्तफा जी ने बताया कई तरह की अफीम नीति घोषित भी है और एक वित्त मंत्रालय ने एक अफीम नीति में योग की दो खास करके 5 का बट्टा बांटा है साथ में सब ने खुश कराई कोशिश अन्य अफीम नीति में की दी है। मारा सहयोग शादाब के अंडे मुँह नवीन पाटीदार।